मोदी जी की रक्षा के चक्कर में बेचारे योगी जी ने उड़ता हुआ तीर ले लिया। जनता इस समय उन्हें खूब ट्रोल कर रही है, खूब चर्चा हो रही है उनकी। मामला क्या है उस पर बात करेंगे, पर सबसे पहले नमस्कार, आदाब और हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि बोला तो मोदी ने लेकिन ट्रोल हुए योगी। भले ही मोदी जी के हर काम को, इवन मोदी जी सुबह उठे उसको गोदी मीडिया और गिल्लू पिल्लू मीडिया बोलता हो कि मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन फैक्ट यही है कि विपक्ष ने जो अपना नाम इंडिया किया उसके बाद से सब के सब बिलबिला गए, सरकार और उनके ट्रोल सब के सब। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि गेम कैसे खेले। हालांकि फिर बात आ गई थिथरई पे कि हम इंडिया का ही विरोध करेंगे। बड़ा हरामी हो बेटा, किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि भारत में एक ऐसा प्रधानमंत्री आएगा जो इस देश को ही आतंकी बता देगा, जो इस देश के नाम से ही नफरत करेगा पर इसी देश का प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडिया जो है, इंडिया नाम रखने से कुछ नहीं होगा, इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया है, ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी तक चले गए लेकिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक नहीं जाएंगे। लेकिन खैर, इन्होंने कहा कि आतंकवादी संगठनों में भी इंडिया है। इसका मतलब है कि विपक्ष जो है वो इंडिया रख के कुछ नहीं कर पाएगा। अरे भाई, आपका इंट्रोडक्शन ही है ऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आप जिस पार्टी से हैं उसका नाम है, ट्विटर हैंडल बीजेपी फॉर इंडिया। खेलो इंडिया, पढ़ो इंडिया, बढ़ो इंडिया, हेन तेन लमटेन इंडिया, सब इंडिया इंडिया कर रखा है, लेकिन अब इंडिया को ही ये गाली दे रहे हैं। बदल दो अपना नाम, खत्म कर दो अपना नाम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हटा दो अपने इंट्रोडक्शन से। और छात्रों से मैं अपील करना चाहूंगी कि जब जीके में जब क्वेश्चन आएगा कि भारत का, अपने देश का ऑफिशियल नाम क्या है, तो इनके राजनीति के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि दो ही ऑफिशियल नाम है हमारे देश के, एक है रिपब्लिक ऑफ इंडिया और दूसरा है भारत गणराज्य। तो इन लोगों के चक्कर में मत पड़ना। इन लोग कितना पढ़े कितना नहीं ये तो सबको पता है, आज तक ये सबूत नहीं दे पाए हैं, तो ये तुम्हारा भी करियर खराब कर देंगे, इस बात को याद रखना। बात तो सही है। लेकिन खैर, अब इन सब के बीच में योगी जी कैसे ट्रोल होने लगे तो उसकी कहानी भी सुनिए। हुआ क्या कि मोदी जी को नजर आ गया कि भैया देखो, 2 रुपए पर ट्वीट वाले ट्रोल से मामला संभल नहीं रहा है, क्योंकि बड़े बड़े लोगों ने लिखना शुरू कर दिया कि इफ यू हैव अ प्रॉब्लम विद इंडिया गो टू पाकिस्तान, तुम्हें इंडिया से दिक्कत है पाकिस्तान जाओ। अब इन्हीं की चीज इन्हीं के ऊपर अप्लाई कर दी। इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इनकी ही बातें, इनके ही जो कर्म है वो आकर के वापस जैसे मुंह पे थप्पड़ जैसे पड़ेंगे, लेकिन हुआ यही। तब जा करके इन्होंने बड़े और महंगे ट्रोल्स को काम पे लगाया। इसमें मंत्री भी हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं और मुख्यमंत्री तक थे। अब इसी दौरान योगी जी ने ट्वीट किया कि चेंजिंग योर नेम विल नॉट चेंज योर गेम, तुम्हारा नाम बदलने से तुम्हारा खेल नहीं बदल जाएगा। अब इसके बाद से जो तो जनता ने ट्रोल किया है वो एपिक है, सेवेज है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखती हूँ, आप खुद सुनिए। पंस्टर नाम के अकाउंट से रिप्लाई आता है कि आफ्टर चेंजिंग नेम्स फ्रॉम अलाहाबाद टू प्रयागराज, फैजाबाद टू अयोध्या, पंखी स्टेशन टू पंखी धाम, झांसी स्टेशन टू वीरांगना लक्ष्मीबाई, मुगल सराय जंक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, उर्दू बाजार टू हिंदू बाजार, मियां बाजार टू माया बाजार, योगी आदित्यनाथ नाउ सेज कि नाम बदलने से गेम नहीं बदलता है। प्रकाश राज ने लिखा कि सही बात है, लाइक चोर इज अ चोर इवन इफ यू कॉल हिम अ चौकीदार। नो कॉमेंट्स। एक रिप्लाई है कि See who is telling this. This guy's name is Ajay Mohan Singh Beast and he has changed it to Yogi Adityanath. उड़ता हुआ तीर लेना ही हुआ, आप कैसे भूल गए अपने किए हुए कामों को। आप लिस्ट है भाई, लंबी अच्छी खासी लिस्ट है, शहरों के नाम बदले गए, जगहों के नाम बदले गए, स्टेशंस के नाम बदले गए, बाजारों के नाम बदले गए। उत्तर प्रदेश में पूरी राजनीति इनकी नाम के इर्द गिर्द ही घूमी, काम के इर्द गिर्द नहीं, पर ये भी आकर के यहाँ ज्ञान दे रहे हैं कि नाम बदलने से गेम नहीं बदलता है। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी रिप्लाई करती हैं कि इलाहाबाद का प्रयागराज, फैजाबाद का अयोध्या, मुगल सराय जंक्शन का पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, सिकंदराबाद चौराहे का नामकरण वीरांगना उदा देवी, देवरिया के तेलिया अफगान का तेलिया शुक्ल और अजय बिष्ट से आदित्यनाथ। नाम बदलने में विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले छन्नी कहे सुई से तारे तल में छेद। नरेंद्र नाम के अकाउंट ने लिखा है कि अनु मलिक सेज नॉट टू कॉपी म्यूजिक। इसी ट्वीट के रिप्लाई में योगी जी का वीडियो डाल करके योग करते हुए एक अकाउंट लिखा है कि चेंजिंग योर नेम फ्रॉम अजय मोहन सिंह बेस टू योगी आदित्यनाथ डजंट ऑटोमेटिकली मेक यू अ मास्टर ऑफ योगा। और ये
उनका योग करते हुए जो वीडियो है बहुत वायरल हुआ था, उस वीडियो को इन्होंने डाला है। गजब बेइज्जती है। तो कुल मिला के बात यही है कि जनता इतनी जल्दी तो भूलती नहीं है। आप भले कितना भी बेवकूफ समझ लें, राजनेता बेवकूफ ही समझते हैं जनता को, लेकिन मेमोरी इतनी भी खराब नहीं है। ऊपर से सोशल मीडिया का दौर है, लोगों ने एक क्लिक में ही ऐसे तैसे करने शुरू कर दी नेताओं की। तो जिसका जीवन योगी आदित्यनाथ के तौर पे ही नाम बदलने से शुरू हुआ, जिसका पूरा राजनीतिक करियर ही जगहों के नाम बदलने से शुरू हुआ, जगहों के नाम बदलते हुए ही चल रहा है, वो नाम बदलने पे टिप्पणी कर रहा है। और जिन जगहों के नाम बदले गए, क्या उन जगहों के लोगों को कुछ अलग मिला, कुछ फायदा हुआ? तुम कर दो इलाहाबाद का प्रयागराज, तुम बोल दो अकबर प्रयागराजी पर, हमारे लिए तो अकबर इलाहाबाद ही है, हमारे लिए इलाहाबाद कोर्ट ही है। तो अभी भी लोग वही सारी बातें बोलते हैं कि कौन आप किसी से बात करें कहाँ जा रहे हो। मुझे नहीं लगता कोई भी कहेगा कि प्रयागराज जा रहा हूँ। जनता की मेमोरी में वही है, हमारे इतिहास में वही है। हालांकि इसीलिए ये लोग इतिहास भी बदल रहे हैं, आप मुगलों को गायब कर दीजिए, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है। तो ऐसे में एक बात याद रखिए, जनता बेवकूफ नहीं है, वो समझ गई कि चलनी हंसे सूप पे, जेब में खुद 72 छेद। तो बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। और हाँ, लाइक कॉमेंट शेयर जरूर कर दीजिए, और मुझे सपोर्ट की जरूरत है आपके, और आपका सब्सक्राइब करना ही मेरे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट है। तो बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, और प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें।